हेलो क्लास, वेलकम बैक. वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास. एंड यस, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ. जब आपका यूटी नहीं स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले हम डेटा हैंडलिंग कर रहे थे. डेटा हैंडलिंग में अभी हमारे हमें पाई चार्ट करना बाकी है. अब क्योंकि इतना गैप हो चुका है, तो मैंने सोचा डेटा हैंडलिंग एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं. ठीक है, तो वीडियो का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो आप बोर्ड पर देखोगे. ओके, एंड सो क्लास, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. जो भी चीज़ें वीडियो में मैम कराएंगे आज की क्लास में, वो आपको सिर्फ देखनी है, वो आपने करनी नहीं है, खाली जस्ट ऑब्जर्व इट. ठीक है, एंड फिर से नेक्स्ट क्लास से, मतलब कल की क्लास से, हम पाई चार्ट पे काम करना शुरू कर देंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर माई साइड. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड द क्वेश्चन. तो आज का जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा शेप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं डेटा हैंडलिंग में. जैसे ढेर सारे ट्रायंगल आ गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस, ढेर सारे ट्रायंगल, ढेर सारे स्क्वायर, और उनको अरेंज करना आज की क्लास में हम ये देखेंगे. ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. शेप ड्रॉ कर ली है. अभी क्या, शेप ड्रॉ करने के बाद ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. ओके, सो दैट पार्ट ऑफ बोर्ड इज नॉट विजिबल, सी नाउ इट इज विजिबल. ठीक है, स्टार सर्कल, वन मोर स्टार, सम स्क्वायर, सम मोर स्क्वायर, सम मोर स्क्वायर, एंड देन फ्यू स्टार्स, रेक्टेंगल. ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या किया, एक क्या बना लिया, शेप्स ड्रॉ कर लिए ढेर सारे. ठीक है, हमने क्या किया, ढेर सारे हमने शेप्स ड्रॉ कर लिए. ठीक है, ओके फाइन. अब जब ढेर सारे शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, तो अगली चीज हमें क्या करनी है, ढेर सारे शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए, नेक्स्ट हमें इन शेप्स को किस में अरेंज करना है, वी हैव टू अरेंज दी शेप्स इन टैली मार्क. टैली मार्क्स में हमें इन शेप्स को क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन से शेप कितने हैं, एंड देन वी विल अरेंज. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द शेप्स, जो जो शेप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्कल, स्टार, रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, और फिर क्या आया, ट्रायंगल. ठीक है, ये सारे शेप्स के नाम हमने लिख लिए. नाउ राइट डाउन द नंबर, कितने कितने, कौन से शेप कितने हैं, राइट डाउन द नंबर. सर्कल, ठीक है, कितना हुआ सर्कल, कितना है काउंट किया, लेट अस काउंट, 1 2 3 4 5 6 सर्कल इज 6 इन नंबर, है ना. सर्कल कितने हुए, 6 हुए. स्टार, नाउ काउंट द स्टार, स्टार्स काउंट करो.
रेक्टेंगल में कितने हैं? फाइव है। नेक्स्ट इज स्क्वायर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट स्क्वायर्स। देन ट्रायंगल, काउंट द ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। सो आई कैन सी वन, दिस वन इज फर्स्ट वन, वन टू थ्री फोर, फोर फोर ट्रायंगल्स, या फोर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो दीज आर द शेप्स, दीज आर व्हाट, ये क्या है भाई, नंबर्स। अब यहां पे वी विल ड्रॉ द टैली, वी कैन ड्रॉ टैली ऑफ और वी कैन मेक शेप्स, ठीक है। चलो यहां पे बनाओ शेप्स, ड्रॉ द शेप्स एंड यहां पे बनाओ टैली मार्क। कम ऑन कम ऑन डू इट। अब सर्कल सिक्स था, तो चलो पहले शेप्स ड्रॉ कर ले। यहाँ पे बात हो रही है सर्कल की, यहाँ पे बात हो रही है स्टार की, यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की, यहाँ पे बात हो रही है एक स्क्वायर की, नीचे बात हो रही है ट्रायंगल की, ठीक है। इतनी चीजें हुई, चलो अब टैली मार्क बनाते हैं। सिक्स, सिक्स के लिए व्हाट वी विल डू, वन टू थ्री फोर फाइव, ये कितना हुआ, फाइव, और फाइव के साथ वन ड्रॉ किया, ये कितना हुआ, सिक्स। देन स्टार, स्टार कितने हैं, फाइव, वन टू थ्री फोर और एक कट, ये कितना हो गया, फाइव, गॉट इट। देन क्या आया अगला, इज व्हाट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्वायर इज एट, फाइव ड्रॉ करेंगे पहले, कितना बढ़ा देंगे, वन टू थ्री फोर, देन वन टू थ्री फोर, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करते हैं ना, लास्ट में वी बी यूज टू फाइंड द टोटल शेप, फाइंड आउट द टोटल शेप, ऐड करो इन सबको, कम ऑन इन सबको ऐड करो, फाइंड आउट द टोटल शेप। कितना होगा, फाइव फाइव टेन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी, एक केस मैंने ड्रॉ कर दिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी। ओके लेट अस काउंट अगेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन 28 पूरे शेप्स हो गए, फाइन। सो नाउ मेक दिस टैली मार्क एंड यूज स्केल टू ड्रॉ द लाइंस, टू ड्रॉ द लाइंस ऑलवेज यूज स्केल, ठीक है। चलो करो, इनको बनाइए, सारे शेप्स को बनाइए और टैलीज को बनाइए। ओके कंप्लीटेड, करो ड्रॉ करो।
So now I'm going to erase the board and we will do example number 2. But before moving to the example number 2, let me tell you a few things. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमारा यहाँ पे जब शेप थे तो वो बहुत अच्छे पिक्चर नहीं डिपिक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो पिक्चर बहुत अच्छे डिपिक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है. लेकिन जब हमने यहाँ पे उसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो सी यहाँ पे वो पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं. फाइन, ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू रेज द बोर्ड टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Now let us move ahead. Now एक और क्वेश्चन हम करेंगे, but first let me prepare the data, raw data. No, this is not a shape-based question. ये एक shape-based question नहीं है. अभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है. Maths, English, Maths, GK. हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, देन जीके, मैथ्स, ईवीएस, ईवीएस, हिंदी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश. अब तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है ना. देन स्टार्ट डूइंग इंग्लिश, हिंदी, जीके, ईवीएस, then GK, English and Hindi. Okay, तो ये क्या है, ये कुछ सब्जेक्ट की बुक्स हैं जो कि किसी लाइब्रेरी में रिपीट की गई है. तो अब आपको बताना है कि कितनी हिंदी की बुक है, कितनी इंग्लिश की बुक है, कितनी मैथ्स की बुक है, इन द फॉर्म ऑफ टैली मार्क. टैली मार्क के हिसाब से आपको ये बताना है. स्टार्ट मेकिंग टैली मार्क, स्टार्ट मेकिंग टेबल. आपको पता है आपको कैसे बनाना है, कम ऑन, स्टार्ट मेकिंग द टैली मार्क टेबल. चलो बनाओ. सबसे पहले क्या करेंगे, वन साइड सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेंगे. व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वन साइड व्हाट वी विल डू, दिस साइड वी विल राइट अ subject name, then numbers and then tally. Okay, first of all we will write the subject name. Subject, number and then tally. Okay, do it, do the question. करिए करिए करिए. Subject. तो कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथ्स,
English, then Hindi, EVS, and then G. इतने ही है ना, इतने ही सब्जेक्ट में मेंशन है ना, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, जीके। अब मैथ कितने हैं काउंट करो और उनके आगे लिखिए कि मैथ्स है अगर तो कितने हैं। यहां से काउंट करना शुरू करो, 1, 2, 3, 4। फोर मैथ्स, लेट अस काउंट अगेन, 1, 2, 3, 4। या मैथ्स कितने हैं, 4 है, मैथ्स की 4 बुक्स है। इंग्लिश की कितनी है काउंट करो कि इंग्लिश की बुक्स कितनी है, 1, 2, 3, 4। फिर से 1, 2, 3, 4। फोर क्या है, इंग्लिश की भी बुक कितनी है, 4 है। नाउ नेक्स्ट इज हिंदी की बुक। ओके, 1, 2, 3, 4। अरे हिंदी की भी बुक 4 है। नाउ ईवीएस की बुक वी विल सी, 1, 2, 3। ईवीएस की बुक आई 3 बुक्स, ठीक है, 3 बुक्स किसकी हो गई, ईवीएस की। नेक्स्ट इज वो जीके की बुक, काउंट, 1, 2, 3, 4। चलो एक और बना देते हैं जीके की बुक, 5, ठीक है। तो 5 क्या है, जीके की बुक है। ओके, 5 बुक जीके की है। ओके, नाउ मेक द टैली, यू गॉट द नंबर, यू गॉट द बुक्स, नाउ मेक द टैली। फोर बनाना है हमें, तो 1, 2, 3, 4। फोर मैथ्स की हो गई, इंग्लिश की कितनी है, 4। 1, 2, 3, 4। हिंदी की कितनी है, 1, 2, 3, 4। ईवीएस की कितनी है, 1, 2, 3। एंड जीके की कितनी है, 1, 2, 3, 4। 5 है ना। तो हमारे पास तो सारी ये हमने क्या कर लिया, टैली मार्क भी बना लिया। नाउ डू द एडिशन, सबको टोटल फाइंड आउट करो। अब ये कर लिया तो नेक्स्ट वर्क इज व्हाट, टू फाइंड आउट द टोटल। टोटल फाइंड आउट करो, टोटल अगेन, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 plus 5, 20। कितना आया? 20 आया। क्या चीज? टोटल, मतलब टोटल कितनी बुक्स थी, टोटल कितनी बुक्स थी, 20 बुक। फाइन, ड्रॉ दिस, मेक दिस टैली, कम ऑन, ड्रॉ करिए। कंप्लीटेड, ठीक।
मार्क हमने समझ लिया, ठीक है, टैली मार्क कर लिया। तो देखो इसी तरह से क्या होता है, डेटा हैंडलिंग हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बुक के करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट आफ्टर द बुक एक्सरसाइज, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, अगली चीज जो हम करेंगे दैट विल बी योर आफ्टर योर बुक एक्सरसाइज, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पिक्टोग्राफ। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन शेप्स में मैम ने शेप्स ड्रॉ किया था ना, और मैम ने शेप इधर टेबल में भी ड्रॉ किया था ना, तो पिक्टोग्राफ इज और पिक्टोग्राफ इज समथिंग लाइक दैट ओनली, पिक्टोग्राफ कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। पिक्टोग्राफ करेंगे और एंड वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चन ऑन पिक्टोग्राफ। एंड पिक्टोग्राफ इज वॉट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है पिक्टोग्राफ। हमें बहुत सारे कलर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सरसाइजेस एक्टिविटी करेंगे ढेर सारी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डू द पिक्टोग्राफ, ओके क्लास। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क, जो भी वर्क मैम वीडियो में करा रहे हैं आप वो कर रहे हो। एंड नाउ मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, चलो बाय।